अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। पहले 400 पार का नारा लगाया जा रहा था। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद किए। फिर आए मंगलसूत्र पर, फिर मुसलमानों को हिंदुओं की प्रॉपर्टी बेचने की बात कहा गया। क्या अभी एनडीए भाजपा 200 भी पार नहीं कर सकते? फिर 1 करोड़ वोट ज्यादा होने की भी बात सामने आई। शायद हार जाएंगे इसलिए 400 पार का नारा नहीं लगा रहे, ऐसा भी कहा जाने लगा। तो अब घटती सीटों के दरमियान 300 पार हो गया, 400 के करीब पहुंच गए, जैसे बयान आता अब अमित शाह मोदी दोनों ही कह रहे हैं। 400 पार हुए हैं और इसी दरमियान बौखलाहट और जहनी तवाजन खोते हुए प्रधानमंत्री के बयानों को देखा जा रहा। यकीनन इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है और इन्हें कभी भी भाजपा या एनडीए के किसी भी नेता का कोई भी तश्वीशनाक बयान या हिंदू मुस्लिम करने वाला बयान नजर नहीं आता। मुसलमानों के सामने मुजरा करने जैसा इंतहाई निचली सतह का बयान खुद मोदी दे रहे हैं, इसे क्या कहा जाए? इनकी बौखलाहट, इनकी मानसिकता और इनकी लड़खड़ाती जबान, इनकी शिकस्त इनके चेहरे पर नजर आ रही है। अब इन तमाम के दरमियान फिर सवाल ईवीएम के घोटाले पर उठ रहा है। अब तक 486 जगह पर वोटिंग हुई है। पिछली मरतबा यानी कि 2019 के दौरान इसमें से 278 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। आखिरी मरहला चुनाव का बाकी है और इसमें 58 सीटें बाकी है। अगर पिछली मरतबा का जायजा लिया जाए तो इसमें से भी, यानी कि जो बाकी 58 सीटें हैं, इसमें से भी 25 सीटें भाजपा एनडीए ने जीत ली थी। खैर, जिस तरह से वजीर आजम मोदी की जुबान लड़खड़ा रही है, बहके बहके बयान दिए जा रहे हैं, इससे एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि 2024 का चुनाव मोदी और इनके चाणक्य अमित शाह जितना आसान समझ रहे थे उतना नहीं है। पर भाजपा या मोदी शाह को हारने का डर सता रहा है, क्योंकि बयानबाजी के साथ घोटालेबाजी भी अब उभर कर सामने आ रही है। अवाम फिर से एक कश्मकश में है कि वोट किसे दे रहे हैं, वोट जा कहां रहा है। और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात प्रधानमंत्री के बयान आज, जिससे खुद अवाम परेशान है कि आखिर हमने किस शख्स को वजीर आजम बनाकर बिठाया। खुद भाजपाइयों में भी इनके बयानात को लेकर तस्करा किया जा रहा है, हालांकि वो भी अंदर से परेशान है। अब तो मोदी ने इस तरह का भी एक नया बयान दिया है कि जो राशन मुफ्त दे रहे हैं इसका पुण्य यानी कि नेकी हमें मिलेगी आपको, और ये नेकी तभी मिलेगी जब आप हमें वोट दे देंगे। मतलब कुछ भी बयानबाजी देते हुए देखने को मिल रहा है। वोटिंग फीसद बढ़ा है, तकरीबन 6-7% के करीब बढ़ावा नजर आ रहा है और 1 करोड़ से कुछ ज्यादा वोट गिनती में ज्यादा आ रहे। अब ये वोट कहां से आए, कब आए, तक न इलेक्शन कमीशन को मालूम है और न हुकूमत को। खैर, बात और आगे बढ़ते हुए ईवीएम मशीनों को ही टेम्पो में डालकर ले जाते हुए पकड़ा गया। अब ये मामला जौनपुर यूपी का है, आप स्क्रीन पर वीडियोस देख सकते हैं। और इसी के साथ एक और वीडियो सामने आया है जो भाजपा के मनोज तिवारी के हलके से सामने आया, जिसमें पुलिस और भाजपाई मिलकर गेट को बंद करके वोटिंग अंदर की जा रही है। इस तरह की बढ़ती वारदातें आखिर किस तरफ इशारा कर रही? क्या वाकई लोकतंत्र का जनाजा कुछ लोगों ने उठाने का फैसला कर ही लिया है? वजीर आजम का बयान इस चुनाव का मरकजी मौजू रहा कह सकते हैं। शुरुआत से ही इनकी लड़खड़ाती जबान साफ इशारा दे रही है कि भाजपा हार रही है। लेकिन जब हार नजदीक आने लगी तो बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि अब ईवीएम मशीनों के जरिए जीत दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग कहानियां घड़ी जा रही है, गलती से टेम्पो स्ट्रांग रूम गया वगैरह। जौनपुर के सराय खाजा थाना इलाके में मुकीम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में स्ट्रांग रूम बनाया गया। देर शाम वोटिंग होने के बाद सभी ईवीएम को इसी स्ट्रांग रूम में सख्त सिक्योरिटी में जमा कराया जाता है। स्ट्रांग रूम के बाहर बड़ी तादाद में इंतजामिया रैपिड एक्शन फोर्स भी खड़ी की गई है। यहाँ कई सपा कारकुनान भी निगरानी में लगे हुए थे। देर रात करीब 11 बजे मुंगरा बादशाह से फिरोजाबाद नंबर की एक टेम्पो डीसीएम पहुंचती। इसमें काफी बड़ी तादाद में ईवीएम थे। कुछ समाजवादी पार्टियों के कारकुनान ने इसे देखा और ऐतराज जताया। बढ़ती समाजवादी पार्टी के कारकुनान की तादाद को देखते हुए सफाई पेश करना शुरू किया गया और कहा गया कि जो एक्स्ट्रा ईवीएम थे उन्हें गलती से स्ट्रांग रूम भेजा गया। अब कोई बताए तो सही कि इस तरह की गलती आखिर होती कैसे है या जानबूझकर की जाती है? क्या हर फैसला भाजपाइयों के हक में आना जरूरी हो जाता है क्या? जब दिल्ली में गेट बंद करके वोटिंग की जा रही थी, आवाम को बाहर खड़ा किया गया था, तब भी भाजपा के ही लोग अंदर क्यों होते हैं? भारत को दुनिया का बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, पर जिस तरह चुनाव हो रहे या करवाए जा रहे हैं, शक और शक यकीन में बदलना लाजिम हो जाता है। एक कम उम्र नौजवान आटा टोट डालने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है और वो भी भाजपा को वोट करता है, ये है मैं, क्योंकि भाजपा छोड़कर दूसरे पार्टी की पर्ची निकलती क्यों नहीं?
अब तक हमने ऐसी खबर कभी नहीं सुनी कि जहां बटन भाजपा का दबाया, पर्ची कांग्रेस की निकली हो या किसी और पार्टी की, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ईवीएम का रोना गलत है, लेकिन तमाम इस तरह की वारदातें सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है। आखिर जौनपुर में इतने सारे ईवीएम कहां से आए और स्ट्रांग रूम में क्यों ले जाया जा रहा था, जबकि हुकूमत ईवीएम के तहफूज के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करती है। मतलब मोदी हुकूमत 400 पार जाने के लिए किसी भी निचले मियार पर पहुंच सकती है, जैसे मोदी बयानबाजी में निचली सतह पर पहुंच रहे। क्या ये किसी वजीर आजम की जुबान हो सकती है? सपा कांग्रेस वाले भैंस चोरी करेंगे, पानी का नल चोरी करके ले जाएंगे, पानी का कनेक्शन काट देंगे, बिजली काट देंगे वगैरह। वाकई सुनने में शर्म आ जाती है, प्रधानमंत्री को तो कहने में शर्म नहीं आ रही। खैर, जिस तरह की तस्वीर आखिरी मरहल तक पहुंचते पहुंचते नजर आ रही है, हैरान कर देने वाली है। आखिर में इतना हम जरूर कहेंगे कि भाजपा वाले किसी तरह मोदी की बयानबाजी को बंद करवा दे। इनके बयानों से जग हसाई हो रही है। अब तो मुजरा तक पहुंच चुके हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम तक लेने नहीं आता। कभी अचानक साइंटिस्ट बन जाते हैं, बंद कैमरा चलाकर फोटो शूट करवाते रहते हैं, लोग नहीं उस जगह पर हाथ हिलाते रहते हैं, कभी कचरा बीनने निकल जाते हैं, कभी पानी के अंदर घुस जाते हैं। खुद तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं करता भी कहते हैं। खैर, इस तरह का वजीर आजम शायद तारीख के औराक में किसी ने नहीं देखा होगा। भले नतीजे कुछ भी आ जाए, पर इसे प्रधानमंत्री के ओहदे से हटा जाए की मांग अब भाजपा के भी कुछ लोग करने लगे। 1 तारीख को छठा मरहला मुकम्मल होने जा रहा है, 58 सीटों पर चुनाव होने हैं, 4 जून को नतीजे आने वाले। आखिरी 7वां मरहला बाकी है, 58 सीटों पर चुनाव होने हैं, 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। इतना तो जरूर है कि बौखलाहट में बयानबाजी और ईवीएम का खेल देखने को मिल रहा है। इन तमाम के दरमियान एनडीए या इंडिया गठबंधन इसका फैसला जल्द आने वाला है। गोदी मीडिया मजबूर है, लाचार है, जिसे 400 पार का नारा बेगैरती में ही क्यों ना हो दिखाना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी तो जा रही है, पर जो नजारे सामने आ रहे हैं इससे ये भी शक होने लगता है कि क्या ईवीएम का कमाल बोगस वोटिंग के बलबूते पर फिर से भाजपा फिर से हुकूमत बना पाएगी। जो भी हो, 4 जून के नतीजे तक इंतजार तो करना पड़ेगा। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरें। हादसे एक के बाद दिगर होते ही जा रहे हैं, लेकिन क्या हम इन हादसों से सबक सीखते हैं? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बच्चों के टाकी में गिरकर मरने की वारदातें मुस्तकिल हो रही है। घरों में पानी आता है तो खवातीन ज्यादा मसरूफ हो जाती हैं। वैसे भी हफ्ते में एक आध या दो बार पानी आ जाता है। उमूमन ये तस्वीर हर घर में देखने को मिलती है। कल जो वारदात कंगराल गली में पेश आई वो इसी तरह की है। बच्चा रेंगते हुए खेलते हुए कब टाकी तक पहुंचता है मालूम ही नहीं होता। लिहाजा कंगराल गली में सैशा नाम की महज 2.5 साल की बच्ची की मौत पानी की टाकी में गिरने से हुई। बच्ची पानी में गिर गई, किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि तमाम घर के अफराद अपने अपने कामों में मसरूफ थे। दोपहर में बच्चे के वालिद खाने के लिए आए तो इन्होंने बच्ची कहाँ है सर सवाल किया तो कहीं खेल रही होगी ऐसा बताया गया, लेकिन जब ढूंढने लगे तो कहीं नजर नहीं आई। पानी के टाकी में नजर डालते हैं तो बच्ची के पांव नजर आते हैं। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। खैर, हादसे सबक सिखाने के लिए होते हैं। कुछ हादसे इसी तरह पानी के वक्त बिजली के झटके लगने से भी हुए हैं। पानी के हाथों से पानी की मोटर चलाते हैं या बिजली की तार छूने से बिजली का झटका लग जाता है, इससे भी कई मौतें हुई। खासकर पिछले कुछ दिनों में मासूम बच्चों के पानी की टाकी में गिरने से मौतें वाकई लम्हे फिक्र है। मैज इसी महीने में बेलगाम शहर में 3 वारदातें इस तरह के पानी के टाकी में गिरकर मरने से हुई हैं। मानतेश नगर, बेनाली, कंगराल गली, इस तरह 3 बच्चे नाहक मौत का शिकार हुए, जिस पर घर वालों को संजीदगी से सोचना होगा। कल इतवार हादसों का दिन कहा जाए तो गलत न होगा। मासूम बच्चों की मौतों का इस तरह हादसों की नजर होना भी अफसोसनाक कहा जा रहा है। राजकोट, गुजरात में गेमिंग जोन में आग लगने से 12 बच्चों की मौत हुई। कुल मौतों का आंकड़ा 24 से बढ़कर अब 28 हो चुका है। 7 बच्चे अब भी गायब बताए जा रहे हैं। अभी राजकोट के गेम जोन में लगी आग ठंडी भी नहीं हुई। दिल्ली के अस्पताल में आग लगने से अभी पैदा हुए 7 बच्चों की मौत जलकर हुई। अस्पताल में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से आग लगी ऐसा बताया जा रहा है। आग जचकी वार्ड में लगी न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर के यहाँ लगने से छोटे बच्चे मौत का शिकार हुए। मासूम बच्चों की मौतों से अफसोस का इजहार जरूर किया जा रहा। जैसे हमने हादसों की मुस्तकिल वारदातों का जिक्र कर रहे हैं, कर्नाटक गोवा में सड़क हादसों में कुल अभी 12 लोगों की मौत हुई है। हासन के करीब कंटेनर को कार की ठोकर लगने से 6 की जगह पर ही मौत हो गई। रामनगर के सबकेरे गेट के करीब मोटरसाइकिल की ठोकर में 2 की मौत हो गई। इसी तरह गोवा वास्को में वरना इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों को ले जाने वाली बस
केमस्कोप कंपनी के करीब के मोड़ पर बस बेकाबू हुई और करीब के मजदूरों की झोपड़ियों पर चढ़ गई, जिसमें कुल 12 लोगों पर से यह बस गुजरी, जिसमें जगह पर ही 4 मजदूरों की मौत हुई। इत्तला के मुताबिक बस ड्राइवर नशेड़ी होने की बात कही जा रही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।